सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसे आपको पता है कि 23 मार्च को भादरा में शहीदी दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सामाजिक भाईचारा सम्मेलन के लिए इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और हरियाणा के सुपरस्टार अजय हुड्डा भाई पहुंच रहे हैं। तो सभी साथी ज़्यादा से संख्या में पहुँचें। साथियों, ये प्रोग्राम बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और यहाँ के जो हरियाणा के टच में जो सिरसा, हिसार, भिवानी, यहाँ के जो तमाम साथी पहुँच रहे हैं, आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए। उनको सबको सूचित कर दिया गया है कि आप किस किस साधन के माध्यम से आप पहुँच रहे हैं। जो भी साथी बाहर से आ रहे हैं, जैसे उदयपुर से आ रहे हैं या जोधपुर से आ रहे हैं, वो भी अपने जिलाध्यक्षों को संपर्क कर लें ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो, कोई आपत्ति ना हो। आपको पहुंचना है भादरा में, हनुमानगढ़ जिले में भादरा में VDS पैलेस। और जो साथी एक दिन पहले आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है अंबेडकर भवन में। और हमारे साथ में जो इस प्रोग्राम के मुख्य अध्यक्ष हैं, जो इस प्रोग्राम को आयोजक करवा रहे हैं, भाई मुकेश चोपड़ा जी, वो भी हमारे साथ में हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो भाई मुकेश चोपड़ा। सामान्य साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम आर्मी। आप सभी बहुजन समाज के तमाम भाई बहनों बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 23 मार्च को शहीदी दिवस पर आप सभी आमंत्रित हैं। ये सामाजिक न्याय सम्मेलन एक महासम्मेलन के तौर पर बड़ा प्रोग्राम यहाँ भादरा के अंदर होगा। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सम्मेलन को और मजबूत करने का काम करें ताकि हमारे देश प्रदेश में जिस तरीके से हमारे भाईचारा जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज का 85-15 की जो लड़ाई है, वो लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये सामाजिक भाईचारा सम्मेलन भादरा में रखा गया है। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शहीदी दिवस पर जिन्हें शहीदों ने इस देश के लिए, इस बहुजन समाज के लिए जिन्होंने अपने जान कुर्बान की, अपने मजबूत करने के लिए, आप लोगों को इस सम्मेलन में ज़रूर पहुंचना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जागरूक करने का, ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जारी।